नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पॉकेट ट्रैवलर पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं सबसे बजट में की गई ट्रिप्स की संपूर्ण जानकारी और जगह विशेष के हिडन जेम्स। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर के आए हैं उत्तराखंड के बेहतरीन घाटियों की गोद में बसे शहर नैनीताल के 10 सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में। तो अगर आप भी नैनीताल जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको घूमने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, नैनीताल पहुंचने का सबसे सुगम मार्ग सड़क परिवहन है। आप अपनी गाड़ी या फिर दिल्ली से डायरेक्ट बस आती है नैनीताल की, आप उसमें आराम से नैनीताल पहुंच सकते हैं। या अगर आप रेलवे मार्ग चूज़ करते हैं तो आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम का पड़ेगा। वहां से शेयरिंग बेस पे टैक्सी या फिर बस से आप डायरेक्ट नैनीताल पहुँच सकते हैं। नैनीताल पहुँच के जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचेंगे, आप वहाँ की माल रोड एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं घूमने वाली जगहों के बारे में। तो सबसे पहला है नैनी लेक या नैनी झील। ये झील एक तरफ से घाटियों से घिरी होने की वजह से और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। माना जाता है कि यहाँ पर सती माता की बाई आँख गिरी थी, जिसकी वजह से इसकी शेप एक आँख की जैसी है। आप इस झील में बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नैना देवी मंदिर। नैना देवी मंदिर भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। माना जाता है यहाँ पर सती माता की आँख गिरी थी, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम नैना देवी मंदिर रखा गया है। काफ़ी भव्य, सुंदर और बेहतरीन मंदिर बनाया गया है नैना देवी मंदिर। तो आप जब नैनीताल जाएं, इस जगह को बिल्कुल मिस ना करें। और इसी मंदिर के पास है एक गुरुद्वारा, सिंह सभा और एक मस्जिद। तो आप जाएं तो इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस है राजभवन, या जिसे गवर्नर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तराखंड का दूसरा राजभवन है। पहला राजभवन देहरादून में है और दूसरा नैनीताल में। ये उत्तराखंड के राज्यपाल का निवास स्थान है। काफ़ी बेहतरीन बनाया हुआ है इस राजभवन को। माना जाता है यही वो जगह है जहां कोई मिल गया मैं जो अंतरिक्षयान उतरा था, इसी जगह पर शूटिंग हुई थी। इस जगह को आप काफ़ी इंजॉय करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है इको केव गार्डन। इको केव गार्डन नैनीताल का वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेस है, जो कि काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। इस गार्डन की खासियत है इसमें 6 विभिन्न तरह के गुफाएं हैं, जो बहुत ही ज़्यादा संकरी और नैरो गुफाएं हैं, जो कि प्राकृतिक गुफाएं हैं, जिनके नेम लायन केव्स, पैंथर केव, टाइगर केव, स्क्वेरल केव आदि इत्यादि रखे गए हैं, केव की साइज़ को देखते हुए। तो आप जब नैनीताल जाएं, यहाँ पर ज़रूर जाएं। इको केव गार्डन में ऊपर की तरफ एयर साइकिलिंग भी होती है, आप चाहें तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। केव गार्डन से ही थोड़ी सी आगे एक और टूरिस्ट प्लेस है, जो है वुडलैंड वाटरफॉल। तो जब आप वहाँ जाएं तो थोड़ा सा आगे जाकर आप वुडलैंड वाटरफॉल को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये वाटरफॉल काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है नैनीताल का, यहाँ पर आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस है नैनीताल का जू, जिसे जीबी पंत जू भी कहते हैं। काफ़ी अच्छा और अच्छी हाइट पर होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर दृश्य आपको जू से दिखते हैं। नैनीताल की एक खूबसूरत जगहों में जू भी है, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टूरिस्ट पॉइंट है स्नो व्यू पॉइंट। यहाँ पर जाने के लिए आप लोकल टैक्सी या अपनी खुद की गाड़ी वगैरह भी ले जा सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पर रोपवे की भी सर्विसेज है, जो आपको माल रोड से डायरेक्ट स्नो व्यू पॉइंट तक ले जाती है। आप उससे भी स्नो व्यू पॉइंट तक पहुँच सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है स्नो व्यू पॉइंट फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए। काफ़ी हाइट पर होने की वजह से यहाँ से हिमालयन रेंज भी आपको दिखाई देती है। स्नो व्यू पॉइंट पर एक और जगह है एडवेंचर पॉइंट। आप चाहें तो वहाँ पर भी जाकर कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे ज़िपलाइन, साइकिलिंग वगैरह आदि इत्यादि। स्नो व्यू पॉइंट से थोड़ा सा ही आगे है हिमालयन व्यू पॉइंट। आप जब वहाँ जाएँ तो हिमालयन व्यू पॉइंट भी जा सकते हैं, वहाँ से आपको पूरी हिमालयन रेंज दिखाई देती है। जब आप स्नो व्यू पॉइंट से हिमालयन व्यू पॉइंट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर एक ऐसी जगह आएगी जहाँ से आपको नैनी लेक ऐसी दिखेगी जैसे एक मैंगो के शेप की, आम के शेप की दिखती है नैनी लेक। तो आप इस पॉइंट पर जाकर यहाँ पर फोटो क्लिक करवा सकते हैं। इस जगह को भी ज़रूर देखें। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस है बारा पत्थर। यहाँ पर एक घाटी में से दो रॉक्स के बीच में से बहुत ज़्यादा ठंडी हवा बाहर आती है, जो कि मानते हैं कि एसी से भी ज़्यादा ठंडी हवा होती है, तो इसको बारा पत्थर कहते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं जब आप नैनीताल जाएं। और यहीं से ही थोड़े दूर पर है लवर पॉइंट एंड सुसाइड पॉइंट। तो जब आप नैनीताल जाएं तो लवर पॉइंट और सुसाइड पॉइंट भी जा सकते हैं, यहाँ से आपको पूरा व्यू अच्छा दिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस है संकट मोचक हनुमान मंदिर। बहुत ही ज़्यादा भव्य और बेहतरीन मंदिर बनाया गया है इसे। तो जब आप नैनीताल जाएं तो आप इस मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर जाने के लिए आप अपनी खुद की गाड़ी या अगेन लोकल टैक्सी ले सकते हैं।
ये तो थी जगह जो लैंड पर है। अगर आपको ट्रैकिंग का शौक है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं टिफिन टॉप पर, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट 12 पत्थर से थोड़ा सा आगे जाते ही होता है। ये ट्रैक करीबन 6 किलोमीटर के आसपास का है, तो आप चाहें तो इसको ट्रैक करके ऊपर पहुंच सकते हैं। इसको डोरथी सीट के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिशर्स के टाइम पर डोरथी एक आर्टिस्ट थी जो यहाँ आकर पेंटिंग किया करती थी, इस वजह से इसको डोरथी सीट्स भी कहा जाता है। और लोग अमूमन यहाँ पर आकर लंच किया करते थे, तो इसको उस वजह से भी टिफिन टॉप भी कहते हैं। इसके बाद एक और ट्रैक है नैनीताल में, जो है नैना पीक का, जिसे चाइना पीक भी कहते हैं। ये ट्रैक भी करीबन 5 से 5.5 किलोमीटर का है, तो आप चाहें तो इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ये नैनीताल का हाईएस्ट पीक है, नैना पीक, तो आप जब नैनीताल जाएं तो यहाँ पर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी जगह नैनीताल के आसपास की, नैनीताल के अंदर की। अगर आप थोड़ा आउटस्कर्ट्स में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं भीमताल, जो कि एक बहुत ही अच्छी लेक बनी हुई है, जो कि 5 पांडवों में से एक भीम को समर्पित है। क्योंकि माना जाता है कि जब द्रौपदी को प्यास लगी थी तब भीम ने यहाँ पर धरती पर इतना तेज मारा कि यहाँ से पानी निकला और द्रौपदी की प्यास बुझी और यहाँ पर झील का निर्माण हो गया। यहाँ पर आप काफ़ी वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे आप बोटिंग कर सकते हैं, पैडलिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो नौकुचिया ताल जा सकते हैं। नौकुचिया ताल के रास्ते में आपको भक्ति धाम दिखेगा। यहाँ पर बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है और वैष्णो देवी माता का मंदिर है, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी इनके दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद आप नौकुचिया ताल के लिए निकल सकते हैं। नौकुचिया ताल भी बहुत अच्छी जगह है नैनीताल में घूमने के लिए। काफ़ी अच्छा खासा सरोवर है और यहाँ पर भी आप काफ़ी वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी भी होती है, तो आप चाहें तो यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। नौकुचिया ताल के बाद आप जा सकते हैं सात ताल, अगेन वो एक लेक है और वहाँ पर भी काफ़ी वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो दोस्तों, ये तो थी नैनीताल की सारी जगह, तो आप जब नैनीताल आएँ तो इनको ज़रूर ज़रूर घूमें। नैनीताल कैसे आएँ, कहाँ रुकें, कितना खर्चा होगा, कैसे आप अपना बजट सबसे कम रख सकते हैं, कौन सा मंथ सबसे बेस्ट है नैनीताल घूमने के लिए, इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको आई बटन पर भी शो हो रहा होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर देखें, आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा नैनीताल पूरा कवर करने का, वो भी कम बजट में। और आप थोड़ा और आउटस्कर्ट्स में जाना चाहते हैं तो आप वहाँ से मुक्तेश्वर मंदिर जा सकते हैं महादेव के, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी जगह है। और आप चाहें तो वहाँ से घोड़ाखल मंदिर जा सकते हैं या आप वहाँ से नेप करौली बाबा के आश्रम कैचीधाम जा सकते हैं। कैचीधाम पे भी हमने एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छा आइडिया होगा वहाँ कैसे पहुँचें और सबसे कम खर्चे में कैसे वो ट्रिप कर लें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ जो नैनीताल आने का प्लान कर रहे हैं। और अगर मैं कोई भी डिटेल देना मिस कर गया हूँ तो हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम आपको एडिक्वेट रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे साथ एक बार कमेंट में लिख दीजिए, हर हर महादेव।